चैनल पोसो 11 आज की वीडियो में बात करेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 मुकाबले की। ढाका डोमिनेटर्स वर्सेस खुलना टाइगर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा, इसमें प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है, लास्ट में आपको अपनी फैंटसी टीम भी देने वाला हूं। सबसे पहले बात करता हूं दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। ढाका डोमिनेटर्स से नेम सेक, एडम रॉसिंगटन, सैफ हसन, एलेक्स रॉस, सेन विलियम्स, महरूब हसन, अलाउद्दीन बाबू, तास्किन अहमद कैप्टन है ढाका डोमिनेटर्स के, एम हुसैन, शरीफुल इस्लाम एंड राफा सनी। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो ढाका डोमिनेटर्स की तरफ से प्लेइंग 11 है। बात करूँ खुलना टाइगर्स की तरफ से प्लेइंग 11 की, एलेक्स सेल्स, एवन लोवेस, अलामुल्लक कैप्टन है खुलना टाइगर्स के, आफीफ हुसैन, एम हसन जो है, वैन पनल, ल्यूक बोट, रोवेल हुसैन, नसुम अहमद, मुकीदुल इस्लाम एंड नाहिद राणा। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो खुलना टाइगर्स की तरफ से प्लेइंग 11 है। बात करूँ वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की, आपको बता दूँ ये मुकाबला 16 फरवरी फ्राइडे को दोपहर 1:30 बजे से ये मुकाबला जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम बांग्लादेश में ये मुकाबला खेला जाएगा। इंडिया की पिच रिपोर्ट की बात करूँ, बैट्समैन को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिल सकती है। वेदर रिपोर्ट की बात करूँ, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है। बात करूँ स्टेडियम की अभी तक की स्कोर रिकॉर्ड की, टोटल मैचेस 27 हुए हैं, बैटिंग फर्स्ट 114 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट 113 मैचेस। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इज 145 एंड सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर इज 123। हाईएस्ट अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है 275 विकेट के साथ रहा है एंड लोवेस्ट टोटल 39 रन 10 विकेट के साथ। हाईएस्ट चीज जो स्कोर हुआ है 194 विकेट के साथ हुआ है एंड लोवेस्ट इवेंटेड 126 विकेट के साथ। मैच शुरू की बात करूँ उससे पहले बता दूँ इस मैच में 5,000 रुपये का फ्री गिवअवे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप पोसो 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इस मैच की टीम क्रिएट करके आप अच्छा पैसा अर्न आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपये का एंड सेकंड रैंक लाते हो आपको 300 रुपये तक का फ्री गिवअवे दिया जाएगा। बात करूँ ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, ढाका डोमिनेटर्स गुड फॉर्म में है, इसके जितने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। एंड टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, कौन टॉस जीत सकता है इसका, खुलना टाइगर्स टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकते हैं। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूँ, शरीफुल इस्लाम को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड एलेक्स रॉस को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में उनको ट्राई कर सकते हो। हेड टू हेड की बात करूँ, ढाका डोमिनेटर्स 2 हेड टू हेड मुकाबला वन किए हैं एंड वहीं खुलना टाइगर्स 3 हेड टू हेड मुकाबला वन किए हैं। लाइव टेलीकास्ट आप फैन कोर्ट पर देख सकते हो। पॉइंट्स टेबल की बात करूँ, 5th नंबर पर खुलना टाइगर्स है, 8 मुकाबले में से 4 मुकाबला वन किए हैं एंड वहीं ढाका डोमिनेटर्स 7th नंबर पर है, 10 मुकाबले में से केवल 1 ही मुकाबला वन किए हैं। फैंटेसी टिप्स की बात करूँ तो रॉबर्ट बैटर आप पिक कर सकते हो एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराए उनके लास्ट में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। विकेट कीपर में अनावलक आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे एंड स्पिनर्स और पेसर्स को इस पिच पर ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। बात करूँ विनिंग प्रेडिक्शन की, ढाका डोमिनेटर्स टीम ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। एंड बात करूँ मुख्य खिलाड़ी जो कि ढाका डोमिनेटर्स की तरफ से रहे हैं, नेम सेक, एलेक्स रॉस, तास्किन अहमद, एम हुसैन, शरीफुल इस्लाम एंड राफा सनी। आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो ढाका डोमिनेटर्स की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं जिनको अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड बात करूँ मुख्य खिलाड़ी जो कि खुलना टाइगर्स की तरफ से रहे हैं, एवन लोवेस, अनाबुल्लक, आफीफ हुसैन, एम हसन जॉय, ल्यूक बोट एंड नसुम अहमद। आप ये मुख्य खिलाड़ी देख सकते हो खुलना टाइगर्स की तरफ से मुख्य खिलाड़ी रहे हैं जिनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो। एंड बात करूँ बेस्ट ऑल राउंडर जो कि अभी तक ढाका डोमिनेटर्स की तरफ से रहे हैं, नेम सेक, सैफ हसन, एलेक्स रॉस, सेन विलियम्स एंड महरूब हसन। आप ये खिलाड़ी बेस्ट ओवर देख सकते हो ढाका डोमिनेटर्स की तरफ से बेस्ट ओवर रहे हैं, बेस्ट ओवर जो कि अभी तक खुलना टाइगर्स की तरफ से रहे हैं, एलेक्स एल्स, एवन लोबेस, अदाबुल्लक, आफीफ हुसैन, एम एम हसन सोए। आप ये बेस्ट ओवर देख सकते हो खुलना टाइगर्स की तरफ से बेस्ट ओवर रहे हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूँ, एम सेक को एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो एंड तास्किन अहमद को एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में उनको जरूर सेलेक्ट करिए, एवन लोवेस एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में उनको जरूर ट्राई कर सकते हो एंड आप अनामुल्लक को एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में उनको जरूर सेलेक्ट करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ इंजर्ड की, कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं आया एंड अपनी फैंटसी टीम की बात करूँ, विकेट कीपर में आप अनामुल्लक को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, बैट्समैन में नेम सेक, एस हसन, एवन लोवेस, एडम रॉस एंड एलेक्स एल्स को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, ऑलराउंडर में ए हुसैन एंड वैन पनल को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, बॉलर में टी अहमद,
एन अहमद एंड ल्यूक वुड को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ, कैप्टन आप स्टेन को अपनी टीम में बना सकते हो एंड वाइस कैप्टन अनावलक को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।